नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे। आज हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज़ कितना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज़ लगभग 8 गिलास पानी पीना चाहिए, ये लगभग 2 लीटर होता है। कुछ नियामक संस्थाएँ कहती हैं कि हमें रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि जब प्यास लगे तब पानी पिए, ऐसे कोई इसकी मात्रा डिसाइड नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने YouTube पर काफ़ी वीडियोस देखी, उसमें लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको हाइपोनैट्रेमिया हो जाएगा, आपको कोमा हो जाएगा। तो आगे हम इस पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और दुनिया भर की जो स्वास्थ्य संबंधी शीर्ष संस्थाएं हैं उनकी गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर PM चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमारा शरीर 60 से 70% पानी से बना हुआ है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो पानी का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। बच्चों में पानी का परसेंटेज लगभग 70 से 75% रहता है, और जो सीनियर सिटीजन्स है उनके शरीर में ये 60% होता है। दोस्तों, जिनका शरीर मस्कुलर होता है उनमें पानी का परसेंटेज अच्छा होता है, और जो लोग फैटी होते हैं जिनका पेट निकला होता है उन लोगों में पानी का परसेंटेज कम देखा जाता है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। पानी हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, कचरा है, उसे निकालने में मदद करता है। पानी हमारे शरीर से गंदगी को पेशाब, पसीना और मल के माध्यम से निकालने में हमारी मदद करता है। पानी की वजह से हमारे जो शरीर का तापमान है वो संतुलित रहता है। इसके अलावा पानी पीने की वजह से हमारे शरीर में अच्छी एनर्जी बनी रहती है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा पानी पीने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी हड्डियाँ है, हमारे जो जॉइंट्स है उनमें जो है लचीलापन रहता है, चिकनाई रहती है, इसके वजह से जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम है वो होने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, पानी हमारे शरीर में हर ऑर्गन के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। हमारी हर कोशिका, हमारा प्रत्येक ऑर्गन पानी के सिवा कार्य नहीं कर सकता। इसकी वजह से पानी अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से थकान महसूस होना, चक्कर आना, होंठ सूखना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा दिन में हम काफ़ी कम बार पेशाब को जाते हैं। अगर दिन में हम 4 बार से कम पेशाब को जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कम मात्रा में पानी पी रहे हैं। पेशाब का जो रंग है ये गहरा पीला दिखाई देता है, डार्क कलर्ड यूरिन होती है। दोस्तों, इसको यूरिन टेस्ट भी कहा जाता है। अगर आपके पेशाब का रंग गहरा पीला है, इसका मतलब है कि आप कम मात्रा में पानी पी रहे हैं। अगर आपके पेशाब का रंग जो है हल्का पीला और क्लियर है, तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। तो यूरिन टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो कब्ज़ की शिकायत नहीं होती है। इसके अलावा जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है वो भी होने का खतरा कम हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग की संक्रमण है वो भी होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जो किडनी संबंधी बीमारियां रहती है वो भी होने की रिस्क कम हो जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में जो है हाइपोनैट्रेमिया हो जाएगा, आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, इसके वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, झटके आ सकते हैं, कोमा हो सकता है। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारी जो किडनी है 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकाल सकती है, तो 24 घंटे में हमारी किडनी 24 लीटर पानी को निकाल सकती है। ठीक है, तो अगर हम 1 घंटे में 1 लीटर तक पानी पीते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हम 1 घंटे में 1 लीटर से ज़्यादा पानी पी लेते हैं और हर घंटे पीते रहते हैं, तो इसके वजह से हमारे शरीर में जो है डाइल्यूशनल हाइपोनैट्रेमिया हो सकता है। दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है कि इसमें थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन लगता है, सिर दर्द होता है, मतली जैसे लगना, उल्टी होना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। काफ़ी रेयर कंडीशन में जो है कन्वर्जन या कोमा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इतने कम समय में इतना ज़्यादा पानी कोई पीता नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जो पेशेंट है कोई पानी पीने की वजह से हाइपोनैट्रेमिया हुआ है ये बहुत ही रेयर है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप नेशनल हेल्थ लाइब्रेरी पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अभी हमारा सवाल बचता है कि हमें 1 दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो जो शीर्ष संस्थाएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनकी गाइडलाइंस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो US नेशनल एकेडमिक्स है उनका कहना है कि एक स्वस्थ वयस्क आदमी को 1 दिन में 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए, और जो स्वस्थ वयस्क महिला है उनको 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए।
इसके अलावा जो NHSI इंग्लैंड का नेशनल हेल्थ स्कीम, उनका कहना है कि एक स्वस्थ आदमी को एक दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस अलग अलग है, गाइडलाइंस अलग अलग है, लेकिन दोस्तों इसमें से एक बात स्पष्ट होती है कि 2 लीटर तक तो पानी पीने की सब लोग सलाह दे रहे हैं, तो 2 लीटर तक पानी तो हमें कम से कम पीना ही चाहिए। अगर हम 3-4 लीटर तक भी पानी पीते हैं तो हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम दिन में 8 ग्लास पानी पीते हैं तो ये लगभग 2 लीटर हो जाता है। इसके अलावा खाने से हमें 25% पानी मिलता है, मतलब 2 लीटर प्लस 500 ml, तो ये लगभग 2.5 लीटर हो जाएगा। और बाकी जैसे चाय, कॉफ़ी और हम कोई फ्रूट जूस लेते हैं तो उसमें से पानी मिला के लगभग 2.5 से 3 लीटर हो जाएगा। तो 2.5 से 3 लीटर पानी तो हमें रोज़ पीना ही चाहिए। दोस्तों अगर पानी की रेंज है तो ये हर आदमी के हिसाब से बदलेगी। एक स्वस्थ इंसान ने रोज़ कितना पानी पीना चाहिए इसका हम पक्का आंकड़ा इसलिए नहीं बता सकते हैं कि पानी की मात्रा है ये चेंज होती है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगर ठंडा एटमॉस्फेयर है तो उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और गर्म एटमॉस्फेयर है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, धूप में घूमने के लिए जाते हैं, तो तब भी पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो पानी पीने के लिए आपको अगर प्यास लगती है तब ज़रूर पानी पीना है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में इसके बारे में बात की, उसकी तरफ ध्यान देना है। आपका जो यूरिन है, पेशाब है, ये हल्के पीला या क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। दोस्तों हमें कम से कम 2 लीटर तो पानी पीना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 लीटर तक आराम से विदाउट एनी साइड इफेक्ट पी सकते हैं। तो एक दिन में हमें लगभग 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये रेंज इसलिए ज़्यादा है कि इसमें अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो पानी की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप घर पर ही है, कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं और ठंडी का सीज़न है, तो कम से कम आपको 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, धूप में बाहर निकल रहे हैं, आप मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आप 3 से 4 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं, और आपको स्वस्थ रहने के लिए पीना चाहिए। और ज़्यादा पानी पीने से हाइपोनैट्रेमिया हो जाएगा, ये क्या 3-4 लीटर पानी पीने से नहीं हो जाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तब ये हाइपोनैट्रेमिया के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बीमारियों की रोकथाम करना। अगर हम हमारे लाइफ में छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो उससे हमें स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ हैं उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। बीमारियों को रोकना आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, स्वास्थ्य के लिए कुछ समय देंगे, तो आगे चल के आपको बीमारियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देने के लिए आज आपके पास समय नहीं है, तो आगे भविष्य में आपको बीमारी के लिए ज़रूर समय निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और जो अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, इसके वजह से जो बीमारियां हैं उससे आप दूर रह सकते हैं। हमारे चैनल पर हम रोज़ स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस डेली भेजे जाएंगे, और इसको आप फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है, उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।